हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये 15 इंची की टॉप है जो इसको फिटिंग करेंगे। जैसे हम 400 वाट के दो ओ स्पीकर लगाएंगे, यहाँ पर 750 एचएफ लगाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 400 वाट पर स्पीकर 400 वाट और 8 ओम में होगा। स्पीकर मैं दिखा दूंगा, एक्चुअल में वो कोई कंपनी का नहीं है, मैंने खुद ही उसको रिकॉन किया है। और रिकॉन वाले वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और यहाँ पर मैंने ये फॉर्म लगा रखी है, क्रॉस फॉर्म, जो तो आपको पता होगी, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इससे ये फ़ायदा होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो नहीं फटती है, मतलब लीकेज नहीं होती है कहीं से, और जो पंच होते हैं काफ़ी बढ़िया आता है। और जो प्रेशर होता है वो पूरा सामने ही जनरेट होता है, जो पंच बढ़िया तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर फिटिंग करते हैं और आज चलते हैं, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीकर है, देख सकते हो आप। यहाँ पर जो स्पीकर खुद ही रिकॉन किए थे मैंने, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखा है। तो इसको बैक पैनल में यहाँ पर देख सकते हो, पी ऑडियो की मैंने डस्ट कैप लगा रखी है और काफ़ी मतलब बढ़िया पर्दा यूज किया है। तो बैक पैनल पर कुछ इस तरीके से यहाँ डुअल मैग्नेट यूज कर रखी है मैंने। यहाँ पर एक स्पाइडर यहाँ पर है और एक स्पाइडर इसके नीचे भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप। ये वाला काफ़ी पंची रहेगा और टर्मिनल काफ़ी बढ़िया हैवी यूज है। तो ये नॉर्मल स्पीकर है। तो यहाँ पर इसी 4 ओम में 400 वाट में 8 ओम में स्पीकर है, दो स्पीकर लगेंगे। तो ये हमारी एक कैबिनेट बैठेगी 4 ओम में, ठीक है। तो 4 ओम में एक कैबिनेट बैठेगी जिसमें से हम 100 वाट का एक एचएफ लगाएंगे, क्योंकि तो टोटल हमारा वोल्टेज निकलेगा 900 वाट। तो वीडियो को देखते रहें पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग कनेक्शन करेंगे इसके। प्लस प्लस में नॉर्मली कनेक्शन करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस में कनेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक स्पीकर की वायरिंग कर दी है, याद रखे प्लस प्लस माइनस माइनस में कर रखे हैं, तभी आपका 4 ओम बनता है। जाके 8 ओम के 2 स्पीकर होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लस प्लस में कर रखा है मैंने। तो ये तो हमारी एचएफ हो जाएगी आउटपुट, और ये हो जाएगी इन, ओके। तो इन के लिए नॉर्मली प्लस प्लस माइनस माइनस करना है आपको। यहाँ पर प्लस वाले में यूं करके रखना है और ये माइनस में, ठीक। तो यहाँ पर मैं वायरिंग यहाँ पर देख सकते हो आप, सिंपली मैं कैसे कर रहा हूँ वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने वायरिंग लगा रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने उल्टा कर रखा है। एक्चुअल में वो इसीलिए करा क्योंकि जो स्पीकर के टर्मिनल है वो गलत लग गए हैं। इस चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है, आपके अगर न्यू स्पीकर हो तो प्लस प्लस में लगाइए और माइनस माइनस में। आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ओके। और जो एचएफ मैं लगा रहा हूँ उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा कंपनी का एचएफ है। तो जो एचएफ यूज कर रहा हूँ मैं, वो इस नंबर का यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मॉडल नंबर D8150। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल नंबर है इसका, जो मतलब टोटल की 750 यहाँ पर दे रखा है, प्रोफेशनल 110 वाट 8 ओम में दे रखा है, रियल RS साउंड की है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। आप जैसे भी क्वालिटी स्पीकर में निकले मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल रही है एचएफ की, वो ही वायरिंग लगाना है आपको। यहाँ पर दो वायरिंग निकली हुई है ग्रीन कलर में, ग्रीन वाला आपका रेड बनेगा और माइनस वाला माइनस ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वायरिंग, तो इनमें आप पूरे पेज लगाएं ताकि वाइब्रेशन काफ़ी होता है, इसलिए कोई दिक्कत ना हो, साउंड की क्लियरिटी बढ़िया है। तो जो यहाँ पर जो फ्रेम में यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर मेटल, मतलब मेटल के यूज करना चाहिए आपको। तो इससे क्या होता है, जो ट्रैवल होती है काफ़ी बढ़िया आती है, और ये आपका एचएफ 750 लगा हुआ है, टूटने का कोई दिक्कत नहीं होती है। 450 लगा होता है तो आप यूज कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है, 450 में यूज कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होता है एचएफ, तो 450 में आप यूज़ कर सकते हो कोई। यहाँ पर सिंपली आपको वायरिंग की जरूरत, मतलब जो स्पीकर के वायर है ST कोन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है ताकि आपके वायर उल्टे ना लगाऊँ। ये वाला प्लस रहता है अपना, ये वाला पॉजिटिव, एक मिनट,
ठीक है, ये प्लस होता है, ये निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लस वाला मैंने इस साइड में लगाया, निगेटिव वाला इस साइड में। तो आपके जो स्पीकर हैं, एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ स्पीकर की पोजिशन, जो स्पीकर आपका वो ऊपर की साइड में अप करना चाहिए, तो ये प्लस में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को देखना चाहिए, जो नए बंदे हैं उसको बोल रहा हूँ, पुराने बंदे को तो पता ही होता है, ये चीज़ देखना चाहिए। और इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर और हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी फिटिंग पूरी हो गई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एचएफ पूरा लग गया है, पूरी वायरिंग हो गई है। और जो मैं आपको सॉन्ग चेक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं सॉन्ग यहाँ पर प्ले करूँगा, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग करूँगा, तो वो वीड्स होगी ओनली, सॉन्ग नहीं चला पाऊँगा उसके लिए सॉरी। तो आप हो सकते हैं मैं थोड़ा चला के दिखा दूँ, तो आप उसको मेरे को क्वालिटी बताना कैसा कह रहा है। पूरा कंप्लीट करने के बाद दो स्पीकर लगाएंगे, मैं दो स्पीकर आप CA20 एम्पलीफायर वायरिंग वगैरह सारे कुछ दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो अभी इसको पूरा फिटिंग करने के बाद और टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हमने पॉनिक का मिक्सर लगा रखा है, आप लोग देख सकते हो। चैनल नंबर 3 पे हमने मोबाइल की पिन लगा रखी है, यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर CA20 एम्पलीफायर है, आप देख सकते हो। एक चैनल पर हमने दो स्पीकर डाल रखे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो ये इनपुट आ गई हमारी पहले नंबर चैनल की, 1 मिनट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। और ये हमारा एम्पलीफायर CA20, यहाँ पर हमने माउस पर मास्टर में दे रखी है, और ये लाइन 3 पे लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे स्पीकर लगे हुए हैं ये, तो ये मैंने चालू कर दिया है यहाँ पर, यहाँ पर हम चालू कर देते हैं, और तीसरे नंबर यहाँ पर उठाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चला रहा हूँ। तो ये वीडियो थी छोटी सी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।